खैर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का टाइम दिया था कि केंद्र सरकार 14 दिनों के अंदर मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम के ऊपर जो लगने वाला ब्याज है उसे रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे, ताकि 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम के ऊपर जो लगने वाला ब्याज है उससे रिलेटेड अपना फैसला सुना सके। इसी के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 सदस्यता की एक महर्षि कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी पूरे मार्केट को इवेल्युएशन करेगी और साथ में ये भी देखेगी अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट माफ होता है तो इससे रिलेटेड जो कितना बोझ है केंद्र सरकार या बैंकों के ऊपर पड़ता है। फाइनली महर्षि कमेटी ने मोरेटोरियम इंटरेस्ट व्योफ के ऊपर जितनी भी अपनी रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को सौंप दी। और साथ में आपके सामने एक ऐसा चैनल शेयर करने जा रहा हूं जो काफी लंबे समय से स्टॉक मार्केट की नॉलेज के लिए खुद मैं फॉलो करता हूं, द मुकुल अग्रवाल चैनल, जहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और साथ में इंट्राडे फ्री में सिखाई जाती है। मुकुल अग्रवाल टेडएक्स और रोटरी क्लब के स्पीकर हैं और नेशनल अचीवर अवार्ड विनर हैं, जिनको 18 साल से ज्यादा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है। 5000 से ज्यादा लोगों को ये स्टूडेंट को एजुकेट कर चुके हैं और इनका नजरिया है कि लोग स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से सीखें और उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। अगर दोस्तों आपका भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी व्यू है, अगर आप फ्री में टिप्स चाहते हैं तो मुकुल अग्रवाल चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दे दिया है, से आप पूरी नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। कमेटी को 7 दिनों का समय दिया था कि 7 दिन के अंदर जितने भी अपने रिकमेंडेशन है मोरेटोरियम के ऊपर ब्याज और ब्याज के ऊपर जो लगने वाला ब्याज है उससे माफ को लेकर और इसके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे कि 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंपे। और फाइनली महर्षि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंप दी, जिसको अंदर रिकमेंड किया गया कि जो मोरेटोरियम के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसमें रिलीफ मिलना चाहिए, उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इस पैंडेमिक के दौरान इतना ज्यादा हैवी जो इंटरेस्ट है लोग पे नहीं कर सकते। कमेटी ने आगे रिकमेंड किया कि मोरेटोरियम ऊपर जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो माफ होगा, जो उसका बोझ है, बैंक और एनबीएफसी या जमाकर्ताओं के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑलरेडी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में जा चुके हैं। अगर उनके ऊपर और ज्यादा बोझ पड़ेगा तो वो बिल्कुल नीचे जा सकते हैं और देश की जितनी भी आर्थिक व्यवस्था है चरमरा सकती है। कमेटी ने आगे रिकमेंडेशन किया कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी ब्याज को माफ करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, तो केंद्र सरकार को पार्शियल या फुल जो मोरेटोरियम इंटरेस्ट का बोझ है अपने ऊपर लेना पड़ेगा, यानी जो मोरेटोरियम के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट माफ होगा, जो लगभग 15,000 करोड़ रुपए का जो बोझ है, केंद्र सरकार को फाइनेंस मिनिस्ट्री को पार्शियली या फुली रूप से लोड अपने ऊपर लेना होगा, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनियां जितने भी सेंट्रल बैंक है वो बोझ अपने ऊपर नहीं उठा सकते। तो ये रिकमेंडेशन है जो महर्षि कमेटी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंपी है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि जो कमेटी ने फाइनली अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, उन्होंने रिकमेंडेशन में क्लियर कर दिया कि मोरेटोरियम इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसमें बोरोवर्स को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि इस पैंडेमिक के दौरान वो इतना लोन को पे नहीं कर पाएंगे। अभी 28 सितंबर को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आ जाएगा और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो ये अपनी रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका में दाखिल करेगी। अब देखते हैं कि 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कितना ब्याज माफी को लेकर अपने गाइडलाइन पास करता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन जहां तक अभी जितने भी कंक्लूजन निकल के आ रही है कि मोरेटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसमें 100% कुछ रिलीफ आपको यानी बोरोवर्स को और हमें मिल सकती है। दोस्तों जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आएगा हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तो जय हिंद, वंदे मातरम।